तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ओनली 50 दिरहम में आप दुबई का हाफ डे सिटी टूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत दुबई से आप सभी का वेलकम करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दुबई में जब घूमने जाते हैं तो बहुत ही खर्चा हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप बर दुबई से एटलांटिस द पाम घूमने के लिए जाएंगे, अगर आप टैक्सी लेंगे तो आपका बहुत खर्चा हो जाएगा, और अगर आप मेट्रो से भी जाएंगे तब भी आपका 50 दिरहम से ऊपर का खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये जो हाफ डे दुबई सिटी टूर है, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। दुबई की जो मेन डेस्टिनेशन है वो सारी इसमें आप देख सकेंगे। और अगर आप इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं, दुबई घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको दुबई आकर हाफ डे सिटी टूर जरूर लेना है, क्योंकि इस टूर से आपको दुबई की जो मेन डेस्टिनेशन है वो सारी देखने को मिल जाएंगी। तो ओनली 50 दिरहम में हाफ डे दुबई सिटी टूर पैकेज लेने के लिए आपको ट्रैवल पैक 365 कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो इंडिया से ही प्री बुकिंग कर सकते हैं। आप उस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं कि मेरे को इस डेट को आना है, तो आपका जो टिकट है वो कन्फर्म हो जाएगा। आपको दुबई की किसी भी अट्रैक्शन का टिकट बुक करना है तो आप ट्रैवल पैक 365 से करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा, अच्छी डील मिलेगी। और अगर आप इंडिया से दुबई घूमने आ रहे हैं तो आप हाफ डे सिटी टूर के साथ में अबू धाबी का फुल डे सिटी टूर भी ले सकते हैं, वो भी ये लोग ओनली 80 दिरहम का दे रहे हैं। तो ओनली 80 दिरहम आप फुल डे अबू धाबी सिटी टूर ले सकते हैं, जिसमें कि BAPS हिंदू टेंपल भी इंक्लूड है। अबू धाबी सिटी टूर का मैंने फुल वीडियो इंक्लूजन के साथ बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि हाफ डे दुबई सिटी टूर में इंक्लूजन क्या क्या होंगे। तो जो आपका पिकअप पॉइंट होगा वो देरा और बरदुबई से होगा। अगर आप इंडिया से आए, आपने बरदुबई और देरा किसी होटल में स्टे किया है, तो आपको लोकेशन देनी है और आपको वहीं लोकेशन से पिक कर लिया जाएगा। तो हाफ डे दुबई सिटी टूर की सबसे पहली डेस्टिनेशन होगी दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेम है और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पर बस 10 मिनट के लिए रुकेगी, 10 मिनट का फोटो स्टॉप होगा, आप फोटोज वीडियोज ले सकते हैं। जबील पैलेस के बाद में ग्रीन पैलेस को पास करते हुए, दुबई मॉल, डाउनटाउन, बुर्ज खलीफा को पास करते हुए, शेख जायद रोड को पास करते हुए आप सीधा दुबई मरीना जाएंगे। दुबई मरीना में बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर देखने को मिलेंगी। दुबई मरीना में आपका 10 मिनट का फोटो स्टॉप रहेगा, मरीना वॉक पे आप 10 मिनट के लिए फोटोज वीडियोस ले सकते हैं। दुबई मरीना के बाद में आपका पाम आइलैंड के द पॉइंट पर स्टॉप रहेगा। द पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पर बहुत अच्छे फोटो आते हैं, क्योंकि सामने एटलांटिस द पाम दिखता है, समुद्र है, ऊपर मोनोरेल का ट्रैक है और कैफे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं वहां पर। ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आपका यहाँ पर 10 मिनट का फोटो स्टॉप रहेगा। इस दुबई सिटी टूर में मेरा एक सजेशन है, आप पाम मोनोरेल भी कर सकते हैं। पाम मोनोरेल का आपका एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और वहां से बहुत अच्छा व्यू भी आता है। ओनली 15 दिरहम का टिकट है, यानी 50 दिरहम का आपका दुबई सिटी टूर हो गया, 15 दिरहम का आपका पाम मोनोरेल का टिकट हो गया। वन साइडेड 15 दिरहम होता है, तो जो टूर गाइड होंगे वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। तो बेसिकली पाम मोनोरेल के 4 स्टेशन हैं, जो टूर गाइड होंगे बस वो आपको पूरा बता देंगे कि कहाँ पे उनको पिक करना है, ठीक है। तो ये एडिशनल रहेगा 15 दिरहम, लेकिन ये वर्थ इट है भाई। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पाम मोनोरेल का सफर करके आपको मजा आ जाएगा, ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। तो यहाँ से आप अपने सुहाने सफर को बढ़ाते हुए सुख मदीना जुमेरा देखते हुए, वुड्स अल अरब का व्यू लेते हुए आप जुमेरा बीच जाएंगे। जुमेरा बीच से बुर्ज अल अरब का बहुत ही अच्छा व्यू आता है, आपके फोटोज वीडियोस बहुत अच्छे आ जाएंगे। जुमेरा बीच के बाद में आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा मरजान इस्लामिक आर्ट गैलरी, यहाँ पर आपका 30 मिनट का स्टॉप रहेगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मरजान आर्ट गैलरी के बाद में आपका लास्ट स्टॉप होगा जुमेरा मॉस्क। जुमेरा मॉस्क में 10 मिनट का फोटो स्टॉप रहेगा, आप फोटोज वीडियोज ले सकते हैं। इस टूर में आप दुबई की डेस्टिनेशन के फोटो तो लेंगे ही, लेकिन साथ में जो आप बस में बैठ कर दुबई को देखेंगे अपनी आंखों से, वो आपके लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दुबई बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो फर्स्ट टाइम दुबई आते हैं इंडिया से घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, मेरे को दुबई बहुत ही अच्छा लगा था और मैंने स्पेशली दुबई को घूमा था सबसे पहले। तो ये एक्सपीरियंस आपको जरूर करना है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जुमेरा मॉस्क के बाद में आपका जो स्टॉप रहेगा वो सीधा आपके होटल या आपकी जो डेस्टिनेशन होगी वहां पर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अपना एक टूर पैकेज बनवाना चाहते हैं, तो आप ट्रेवल पैक 365 से अपना टूर पैकेज बनवा सकते हैं, जिसमें कि बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारी, ढोक्रूज डिनर, ये सब इंक्लूड होगा। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।